हाँ सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए हम ये सब कुछ छोड़ देना, वो अगर कुछ चीज़ के शराब और नशा और तंबाक सब कुछ इधर लाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करेगा, वो तंत्र मंत्र जादू टोना और कुछ चीज़ के वो भी सबर समर्पण करो। कुरिंदियों का पहले पत्र 6:9 पढ़ो, 9। क्या आप यह नहीं जानते, क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले, कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के, ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, अधिकारी नहीं होंगे। धोखे में ना रहें, हाँ, व्यभिचारी, व्यभिचारी मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी लौंडे और पुरुषगामी, हाँ लौंडे और पुरुषगामी, चोर, चोर लोभी, लोभी शराबी, शराबी निंदक, निंदक और धोखेबाज, और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। अभी देखो पाप का लिस्ट थोड़ा हम देखा, पाप का लिस्ट हमको भी मालूम है। गलतियों का पत्र 5:19, गलतियों का पत्र 5:19। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार अशुद्धता, अशुद्धता लंपटता, लंपटता लंपटता मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जादू टोना, जादू टोना पैर, बैर फूट, हाँ ईर्ष्या, ईर्ष्या क्रोध, क्रोध स्वार्थपरता, स्वार्थपरता मनमुटाव, मनमुटाव दलबंदी, दलबंदी द्वेष, द्वेष मतवालापन, हाँ मतवालापन, मतवालापन रंगरलिया, हाँ और इस प्रकार की और बातें, और इस प्रकार की और बातें। हालेलुया। इसलिए हम सारे पाप छोड़ के हमारा जीवन बदली करके पिता के साथ, क्या क्या पाप के बारे में हम सुना, आंगों का लोभ, आंगों का लोभ, शरीर की वासना, धन संपत्ति का घमंड, वो संसार में क्या क्या है, आंगों का लोभ, शरीर की वासना, धन संपत्ति की, अंगों का लोभ। ये अंगों का लोभ बहुत है अभी, ये मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन, कुछ लोगों को ये देखो, ये मोबाइल फोन के बिना जी नहीं सकते, वो शैतान का काम है, वो बच्चा, हाँ बच्चों भी ऐसा, इसका बंधन में है, बंधन में है, ईश्वर से कुछ प्रार्थना कुछ कुछ बैठ नहीं सकते, लेकिन इसमें देख के पूरा दिन बैठने में कुछ भी तकलीफ तो नहीं है, ऐसा ऐसा करते जो बचपन से उम्र, एक उम्र से भी माता पिता ऐसा देते, वो बच्चों भी ऐसा देखो बंधन में हो गया, उन लोगों को प्रार्थना भी नहीं आते, नहीं कर सकते उस पढ़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंधन हो गया। हालेलुया। मैं एक काम बताऊं आप लोगों को, मेरा साक्षी, हालेलुया 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 हालेलुया। 2015 में मैं अफ्रीका में उगांडा में सेवा करने के लिए एक जगह में गया शिविर के लिए। उस समय रात को मैं सपना में ईश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा मुझे बोला, व्हाट्सएप बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो। उसी समय व्हाट्सएप शुरू किया था, उस समय इतना व्हाट्सएप का अभी इतना तो साल तो नहीं हो गया वो प्रचार होने के लिए, 10 साल और इतना तो हो गया 10 साल। वो व्हाट्सएप बंद करो बोला, क्यों, व्हाट्सएप का थोड़ा बंधन हो गया, मोबाइल का थोड़ा बंधन हो गया, इसके कारण बहुत लोग को प्रार्थना भी नहीं कर सकते मोबाइल के द्वारा कारण, इसलिए इसमें से हमको भी छुटकारा मिलना चाहिए।
हालेलुया हालेलुया। मुझे बोला व्हाट्सएप बंद करो, स्टॉप व्हाट्सएप। सपने में सुना, पिछले दिन में मुझे समझ में आया, ईश्वर मुझे बताया, पिछले दिन बंद किया। क्यों? वो चर्च में भी जाके प्रार्थना करने के समय में भी क्या देखते, कुछ मैसेज आया है क्या, वो आवाज आते, उस समय वो चूहा वो ट्रैप में गिर गया, टप आवाज आते ना टप, ऐसा ये मोबाइल में भी एक मैसेज आएगा तो टप, उसी समय हमको देखना क्या आया है। देखो बंधन में है। ईश्वर ने बोला तुम ये छोड़ दो, उसी समय छोड़ दिया। 40 मैसेज आया था, कुछ भी नहीं देखा, छोड़ दिया। ईश्वर ने बोला मैं अनुसरण किया। जब हम अनुसरण करते हमको आशीष मिलते, आशीर्वाद मिलते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छोड़ दिया, मेरा ईश्वर से रिश्ता अच्छा हो गया, ठीक हो गया। प्रार्थना में ईश्वर को धन्यवाद करके, ये मैं पहले बोला ना, ये सूरज और सूरज के चारों ओर भूमि वृत्ति ऐसा चलते हैं ना, हम भी ईश्वर के साथ ऐसा चलने वाला लोग है, ईश्वर के साथ रखने वाला लोग है। पाप करके हम दूर जाते ऐसा तो नहीं है, हम ईश्वर के साथ रहने वाला लोग। हालेलुया। आप मैं छोड़ दिया, उसके बाद में मैं देखा मेरा जीवन पूरा बदली हो गया। प्रार्थना वो ईश्वर का रिश्ता अच्छा हो गया। इसलिए प्यारी भाइयों बहनों, आज ईश्वर आपको बोलते हैं, जो कुछ बंधन है तुम्हारा जीवन में, शराब का और मोबाइल फोन का और कुछ कुछ व्यक्ति से, परस्त्रीगामी ऐसा भी लिखा है, व्यभिचार का बंधन है, वो कुछ कुछ पाप का बंधन है, सब छोड़ देने के लिए प्रभु बुलाते। इसिया का ग्रंथ 1:18, इसिया का ग्रंथ 1:18-20 तक, इसिया का ग्रंथ 1:18। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे पाप को मिटाने के लिए ईश्वर आया है, वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुसरण करने के लिए, सुनने के लिए, वो जब पश्चाताप करके उसके पास वापस आते, वो हमें साफ करेगा। जैसे पिता ने वो पुत्र को स्वीकार किया, तुम्हें भी स्वीकार करेगा। इसलिए हम विश्वास से हमारे सारे पापों छोड़ देने के लिए अभी हम वादा करना, ऐसा हम प्रभु को वादा करके अच्छी तरह नया जीवन शुरू करने के लिए ईश्वर का आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब हम अभी भोजन के लिए जाते, अभी हम भोजन के लिए जाते, इसके बाद में हम या 2:10 पहले आएगा, 2:10 पहले आएगा, खड़े हो जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो भोजन आपने हमारे लिए तैयार किया है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये भोजन में आपका आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये भोजन के द्वारा हमें स्पर्श कर
ओ जो लोग डिवेन वजन आश्रम को सहायता करते वो उन सेवा करते वो सबों के लिए वो बेनिफैक्टर लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर शांत रहो किसी के बात नहीं करो वो जो वचन सुना मनन करो मैं ऐसा सब छोड़ के ईश्वर के साथ रखने के लिए कोशिश करते जैसे दाऊद ईश्वर के साथ दे जैसे यूसुफ दाऊद के ईश्वर के साथ दे हम भी ईश्वर हमारे साथ रखने के लिए हम भी ऐसा हमारा जीवन नया जीवन शुरू करने के लिए प्रार्थना करते वो बीच में हमारा चापल में कुछ लोगों को जाना चाहते उधर भी जाके प्रार्थना कर सकते अंदर धन्यवाद।